साइलैब एक बार हम दिखाए थे, हाँ, आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में ही टर्मिनल खोल करके, और वहां पहले साइलैब होना होता है, आप उसको इंस्टॉल करके रखते हैं, तो साइलैब कमांड डाल करके यू कैन डू मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑन इट। बहुत सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन आप साइलैब में कर सकते हैं, नॉट ओनली सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन अरिथमेटिक वंस, बट ऑल्सो अलजेब्रिक इक्वेशंस, मैट्रिक्स मैट्रिक्स इक्वेशंस, हाँ, एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस, वो सब भी आप साइलैब में कर सकते हैं। तो ये साइलैब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर रहता है, और उसका वो एक्चुअली मैटलैब का एक इक्विवेलेंट है, लिनक्स इक्विवेलेंट। हाँ, मैटलैब वो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पर है। तो मैटलैब में आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ये सब कर सकते हैं, इक्वेशंस भी सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, डिफिकल्ट इक्वेशंस भी। तो साइलैब साइलैब इज अबाउट दैट। जीएनयू प्लॉट ये प्लॉटिंग के लिए है। मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स और मोंटे कार्लो सिमुलेशंस लास्ट क्लासेस में हम लोग डिस्कस किए, और उसका हम बुक भी दिखाए, एलन टिल्सले का, हाँ, ई बुक था, फ्रेंकल एंड स्मिथ का। तो उसमें मॉलिक्यूलर डायनेमिक सिमुलेशन और मोंटे कार्लो सिमुलेशन ये दिया हुआ, काफी डिटेल में दिया हुआ है, लेकिन आपको उतना बड़ा नोट नहीं बनाना है, आप उसमें से छोटा सा इंट्रोडक्टरी ऐसा नोट बना लीजिए।